हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पिज़्ज़ा, होममेड पिज़्ज़ा। मैंने घर पे ही पिज़्ज़ा का डो भी बनाया है और घर पे ही मैं पिज़्ज़ा बना रही हूँ। तो मेरी ये रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, आप एक बार मेरी चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अभी हम चलते हैं पिज़्ज़ा कैसे बनाते हैं, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पिज़्ज़ा कैसे बनता है। हाफ कप से भी ज़्यादा पानी ले लीजिए, उसमें एक चम्मच जितना नमक, दो चम्मच शुगर। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा और उसको थोड़ा गर्म कर लीजिएगा, कोई भी बर्तन में निकाल के या फिर माइक्रोवेव में भी आप गर्म कर सकते हैं इसको। अभी मैंने गर्म भी कर दिया है पानी को और मैं इसके अंदर डेढ़ चम्मच जितना ड्राई ईस्ट डाल रही हूँ। और इसको आप बिना इसको हिलाए आप इसको ढक दीजिएगा 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद आप इसको देखेंगे तो अच्छे से ये फर्मेंट ऊपर, मतलब उसका बबल जैसा हो गया होगा। अभी एक बर्तन में आप डेढ़ कटोरी मैदा ले लीजिए। मैंने यहाँ पे कप का मेज़रमेंट नहीं रखा है, आपके पास जो भी बर्तन है उसका मेज़रमेंट आप रख सकते हैं। मैंने जितना अभी डेढ़ कटोरी मैंने मैदा लिया है, उसके सामने एक कटोरी मैंने पानी लिया है। अभी इसके अंदर दो चम्मच जितना ऑयल डालिए, आप ऑयल की जगह पे बटर भी यूज़ कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हो ये ईस्ट में आपको दिखा रही हूँ अच्छे से बबल भी आ गए हैं ऊपर। तो पहले हम इसको यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं मैदे के आटे को और ऑयल को अच्छे से, उसके बाद पूरा ईस्ट वाला जो पानी है इसके अंदर डाल देंगे। तो पिज़्ज़ा बनाने के लिए डो अभी रेडी हो गया है। इसके ऊपर आप दो चम्मच जितना ऑयल डाल के अच्छे से उसको कवर कर दीजिएगा बाद में ऑयल से। और उसके बाद इसको आप दो घंटे तक इसको कुछ भी ऐसे ढक्कन या थाली या डिश आप इसके ऊपर रख कर ढक दीजिएगा। दो घंटे के बाद ही आपको इसको खोलना है। तो अभी मैं दो घंटे के बाद ये खोल रही हूँ, तो आप देख सकते हो इसका जो फर्मेंटेशन है डो का अच्छे से आ गया है। अभी मतलब हम पिज़्ज़ा बनाने के लिए ये डो रेडी है एकदम। अभी पिज़्ज़ा की जो ट्रे आती है उसके ऊपर इस तरह से थोड़ा मैदा स्प्रेड कर दीजिएगा, ताकि जब हमारा पिज़्ज़ा हम इसके ऊपर रुपला इस डो इसके ऊपर रखेंगे और जब पिज़्ज़ा बनकर रेडी होगा तो प्लेट के अंदर चिपकेगा नहीं। तो आप देख सकते हैं अभी मैं पिज़्ज़ा का रुपला रेडी कर रही हूँ।
तो अभी एकदम मैंने पिज़्ज़ा की जो ट्रे है उसकी साइज़ का ही पिज़्ज़ा बना दिया है। अभी हम पहले सबसे पहले हमें बटर लगाने का है। बटर हम लगाएंगे तो उसका जो पिज़्ज़ा का कलर है लाइट ब्राउन आएगा। विदाउट आप बटर यूज़ करोगे और पिज़्ज़ा बनाने जाओगे तो उसका जो कलर दिखना चाहिए ना लाइट ब्राउन, वो नहीं दिखेगा। तो सबसे पहले आप बटर लगा दीजिएगा अच्छे से पूरे रोटला के ऊपर। अभी बारी आएगी पिज़्ज़ा सॉस की। आपके पास रेडीमेड पिज़्ज़ा का सॉस भी बाहर मिलता है और घर पे भी बनाने का है तो उसका वीडियो भी मेरी चैनल पे है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रख दूँगी, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा सॉस घर पे कैसे बनाते हैं। तो अभी हम पूरे पिज़्ज़ा के ऊपर इस तरह से सॉस को पूरा अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। अभी बारी आएगी सबसे पहले चीज़ की। मोर्ज़िला चीज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर लिक्विड चीज़ भी, या फिर जो अमूल का प्लेन चीज़ आता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे वो चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं पिज़्ज़ा के अंदर। मैंने अभी मोर्ज़िला चीज़ ऐड कर रही हूँ। अभी इसके ऊपर हम ओनियन को रखेंगे। अभी हम ग्रीन कैप्सिकम रखेंगे। येलो कैप्सिकम। और हैलोपिनो चिली। अभी हम ओरिगानो ऐड करेंगे इसके ऊपर, स्प्रेड करेंगे, और चिली फ्लेक्स भी। चिली फ्लेक्स। अभी चीज़ ऐड करेंगे, और इस मोर्ज़िला चीज़ और अमूल चीज़ दोनों मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। मैंने 10 मिनट पहले ही ओवन को प्री हीट कर दिया था 400 डिग्री पे। तो अभी हम पिज़्ज़ा को अंदर रखेंगे 10 मिनट के लिए। अगर आपका ओवन दो ग्रिल का है तो पहले 10 मिनट के लिए आप नीचे रखिए, उस 10 मिनट के बाद आप ऊपर उसको रखिएगा। अभी मैं 10 मिनट के लिए ऊपर की ग्रिल पर रख रही हूँ इसको। तो अभी ऊपर का जो मतलब पूरा वेजिटेबल है वो भी अच्छे से पक गए हैं। अभी हम थोड़ा नीचे का जो ब्रेड का रहता है वो साइड का हम देख लेते हैं। तो थोड़ा हमें नीचे का जो ब्रेड है वो थोड़ा कड़क करना है, तो मैं अभी इसको फिर से नीचे की ग्रिल पे रख रही हूँ 10 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से ब्रेड भी हमारा रेडी हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं अच्छे से ये ब्रेड भी रेडी हो गया है नीचे का, एकदम क्रिस्पी। पिज़्ज़ा को देखकर तो अभी मुँह में भी पानी आ गया है। तो आपको मेरा ये पिज़्ज़ा का रेसिपी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।
पिज़्ज़ा की रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा और मेरी चैनल को और मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।